नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अनिल जी। पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि महर्षि द्वापायन कृष्ण विचित्र वीर की स्त्रियों के साथ, पत्नियों के साथ वो संतान उत्पन्न करने के लिए राजी हो गए थे, तो क्या इसके लिए वे स्त्रियां भी तैयार हो गई थी? देखो, महर्षि तो कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ। जी जी, उन्होंने अपने निर्देश दे दिए जी कि ऐसे ऐसे समझा दो, मुझसे डरे नहीं वगैरह, समझा दिया जी। और फिर कहा महर्षि ने, देखो जब उसका मासिक धर्म में गर्भ धारण के लिए उपयुक्त समय हो जी, तो उसको कह देना कि अच्छे वस्त्र इत्यादि धारण करके, श्रृंगार करके, सब तरह से तैयार होके वह मेरी प्रतीक्षा करे, मिलन की प्रतीक्षा करे। ये कह के महर्षि तो अंतर्धान हो गए, वहां से चले गए। अब राजमाता सत्यवती ने जी, जो बड़ी बहू थी, अंबिका थी जी, उसके पास गई, उसे समझाया कि देखो इस कुल पे बहुत बड़ा संकट आ गया है, इस कुल का आगे कोई चलाने वाला नहीं है। अब इस कुल की रक्षा के लिए जी, गंगा पुत्र भीष्म ने मुझे एक बड़ी अच्छी सम्मति दी है, बड़ी अच्छी सलाह दी है। उस सम्मति की सार्थकता जो है वो सब तुम पर निर्भर करती है, तुम्हारे अधीन है। तुम चाहो जी तो इस नष्ट होते हुए भरत वंश का उद्धार कर सकती, तुम इस भरत वंश का उद्धार करो और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दो जी। तो जिस स्त्री का पति का देहांत हो गया हो जी, उसकी सास आके ऐसे कह रही हो जी, तो चला सक पका गई, तैयार हूं नहीं थी जी कि ये कि मैं किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाऊं और फिर आपको एक पुत्र दूं जी, के लिए तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल थी, इन्होंने समझाया कि नहीं ये धर्मानुकूल है, ये करना है, तो बड़ी कठिनाई से, अनमने भाव से तैयार हो गए जी। फिर सत्यवती ने कहा कि तुम्हारे पति के ही एक भाई हैं, वे ही तुम्हारे पास गर्भधारण के लिए आएंगे जी, तुम उपयुक्त समय पर उनकी प्रतीक्षा। ऐसे कह के सत्यवती चली जी। अनिल जी, राजमाता सत्यवती ने तो महर्षि के बारे में और उनके दिए हुए निर्देश के बारे में तो कुछ अंबिका को बताया ही नहीं। हाँ, और ये देखो, ये जो होता है ना, जिसे हम आजकल कहते हैं स्मार्टनेस जी, ज्यादा चतुराई दिखाना जी। राजमाता चतुराई दिखा रही, जब मैं इसको बोल दूंगी कि वो ऐसे हैं, कुरूप हैं, उनसे शरीर से दुर्गंध भी आती है और बहुत काले कलूटे हैं जी, तो ये सब बता दूंगी तो मना कर देगी। बड़ी मुश्किल से तो तैयार हुई है जी, तो उन्होंने इन सब बातों को गोल कर दिया कि नहीं वो तो जो भी है, तो वो एक बार मना लिया कैसे भी करके जी, और काम हो गया, बस मेरा हो गया। अब ये तो चतुराई दिखा रही थी राजमाता जी, सरलता नहीं, चतुराई जी। चतुराई से हानि होती है।
वो ये नहीं समझ रही थी जी। महर्षि की बातों को हल्के से में ले रही थी, गंभीरता से नहीं ले रही थी जी। और उस से महर्षि से बढ़कर चतुर अपने आप को समझ रही थी, कर रही थी। उनको लग रहा था मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूं जी, मैंने अपनी बहू को मना लिया, इस बात मना लिया है, और मैं इस बड़े भरत वंश को एक उत्तराधिकारी दे रही हूं इस कार्य में जी। अगर कुछ थोड़ा बहुत मैं चतुराई कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, तो हो जाएगा, ठीक है, चले, चलता है, जो हम विचार है उस समय से चला आ रहा है जी। अब जब महर्षि आए तो अंबिका की क्या प्रतिक्रिया थी? देखो, महर्षि द्वैपायन कृष्ण जो है, उनको समझने के लिए एक बात समझना आवश्यक है कि जो दूसरे कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण जी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अत्यंत मोहक थे। देखो, दोनों काले हैं, दोनों कृष्ण हैं, दोनों काले रंग के हैं जी। लेकिन वासुदेव कृष्ण, जिसे मुरलीधर भी कहा जाता है, गिरिधर भी कहा जाता है जी, मोहन भी कहा जाता है, क्योंकि अत्यंत मोहक है जी। उन पे स्त्रियां बिल्कुल मोहित हो जाती, और जो स्त्री उन्हें देख ले मोहित हो जाए, और उनका ठीक विपरीत यदि कोई हो सकता है जी, तो द्वैपायन कृष्ण। उनमें सुंदरता तो जैसे बिल्कुल भी नहीं है, हर हिसाब से कुरूप जी, बिल्कुल काले कलूटे, ऐसे काला रंग कि अब डर जाओ। अब वो अर्धरात्रि के समय जी, जिस समय ऐसे आज जैसे सब तरफ लाइटें लगी हुई नहीं होती जी, चारों तरफ अंधेरा, थोड़े से दीपक जल रहे हैं, उसमें एक बिल्कुल काला आदमी, उसी काला आदमी चला आ रहा है, उसकी जटाएं बड़ी बड़ी हैं, जटाएं सब उलझी हुई हैं, दाढ़ी भी बड़ी है और उसमें सब धूल लगी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कई कितने सप्ताह से वो नहाया ही नहीं है, और वो शरीर पे फटे हुए से वस्त्र पहने हैं, वस्त्र पहने हैं कि मृग चर्म चर्म ओढ़ा है, ये भी समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल भयंकर ऐसा खतरनाक सर लगने वाला व्यक्ति चला आ रहा है, दाढ़ी मूछें, भयंकर रूप की बिल्कुल देखकर जब वो आए तो अंबिका तो उन्हें देखकर बिल्कुल डर गई। मजबूरी थी जी, सास ने कहा था इनके साथ ये तुम्हें संतान देंगे और संतान उत्पत्ति मजबूरी थी, तो उसने बस अपनी आंखें पूरी तरह मूंद ली कि मुझे इस आदमी को देखना ना पड़े, मैं इस कुरूप को देख नहीं सकती, इस रूप को देख के तो मैं बिल्कुल सहन करना कठिन है, बदबू भी आ रही है और दिखने में भी ऐसा कुरूप है जी, किस उसने तो अपनी आंखें बंद कर ली और देखा ही नहीं। अंबिका के इस प्रकार भयभीत हो जाने का फिर क्या प्रभाव पड़ा? महर्षि ने जो उनको कहा गया था उन्होंने किया जी। अब जब वो महल से बाहर निकल रहे थे तो राजमाता सत्यवती ने पूछा कि क्या रानी अंबिका से जी कोई गुणवान राजकुमार जन्म लेगा जी। पूछ रही थी कि हाँ, महर्षि थे, देखिए साधारण व्यक्ति हो तो उसको मालूम नहीं होता कि भविष्य में क्या होगा जी जी। ये महर्षि त्रिकालदर्शी, उन्होंने महर्षि ने राजमाता को कहा, माँ हाँ एक राजकुमार आएगा जी, बहुत बलवान होगा, उसमें 10,000 हाथियों के समान बल होगा, और बहुत नहीं 10,000 हाथियों के समान बल होगा जी, बहुत विद्वान होगा, राजर्षियों में सदा श्रेष्ठ माना जाएगा जी, परम सौभाग्यशाली होगा जी, महापराक्रमी होगा, कितने गुण बता दिए जी, और अत्यंत बुद्धिमान भी होगा, बुद्धि भी कम नहीं होगी जी, ये सब कुछ होगा,
और साथ में उसके 100 पुत्र भी होंगे। और गुण बता दिए, उसके आगे तक का बता दिया जी। किंतु ये जो राजकुमार जन्म लेने वाला है जी, इसकी माता की दोष से जी, माता ने जो आंखें बंद रखी, माता ने जो गलती की है, इसलिए वो जो राजकुमार जन्म लेगा वो नेत्रहीन होगा। सत्यवती का मुंह खुला रह गया कि अरे ये क्या। उन्होंने महर्षि से कहा कि हे तपोधन जी, कुरु वंश का राजा अंधा तो नहीं हो सकता, ये तो उचित नहीं है कि कुरु वंश का राजा अंधा हो जी। तुम कृपा करके कुरु वंश को कोई दूसरा राजा दो जी। महर्षि ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए, चले गए जी। तो क्या महर्षि की बात सत्य हुई? क्या अंबिका का अपुत्र जनजाति अंधा हुआ? हाँ, महर्षि कह गए थे, लेकिन फिर भी एक जैसे तुम्हारे मन में शंका है ना जी कि भविष्य किसने देखा है, शायद ठीक निकल जाए जी। तो सबने इंतजार किया, राजकुमार का जन्म हुआ, जैसे समय लगता है बालक के जन्म होने में जी। जब जन्म हुआ लोगों ने देखा कि वैसे तो बालक बहुत अच्छा था जी, शक्तिशाली दिख रहा था, अच्छा स्वस्थ बालक था, सब कुछ ठीक था जी, लेकिन पूर्णता नेत्रहीन। यह नेत्रहीन बालक देखकर जी स्वाभाविक है कि राजमाता को न अपने पुत्र की याद आई जी। अंधे बालक को पाकर फिर राजमाता सत्यवती ने क्या किया? इसे मैंने कहा उन्हें अपने पुत्र की याद आई जी, कि मैं अब फिर से द्वापायन कृष्ण को बुलाती हूँ, लेकिन बुलाने के पहले जी अब एक काम फिर से करना था जी। अंबिका जी ने तो एक पुत्र दे दिया जी, तो उन्होंने दूसरी बहू यानी छोटी बहू जो थी अंबालिका जी, उसके पास गई, उसको वैसे ही तैयार किया, उसको भाषण दिया, उसको समझाया कि ये राजवंश की बड़ी अधिक जिम्मेदारी है जो तुम्हें निभानी है, इस तरह करके बहुत अच्छे से समझाया जी। सारी बात समझाई वो किसी तरह बड़े अनमने से भाव से जी, तैयार हो गई कि ठीक जी। अंबालिका का महर्षि कृष्ण के साथ क्या अनुभव रहा? अच्छा नहीं रहा। अंबालिका भी बहुत भयभीत हो गई, बहुत भयभीत हो गई। राजमाता ने समझाइश नहीं दी? राजमाता ने ये नहीं कहा कि मत डरना जी, वो तो राजमाता चतुराई कर रही थी ना, इसके साथ भी उन्होंने चतुराई की। ये बिल्कुल भयभीत हो गई कि ये कैसा जानवर आ गया है, ये कौन आ गया है। इतनी भयभीत कि उसने आंखें तो बंद नहीं की, लेकिन भय के मारे जैसे पूरा चेहरा, पूरा शरीर उसका तेज समाप्त हो गया हो, कांतिहीन हो गया हो, जैसे कोई शरीर मृत हो जाता है ना जी जी, बिल्कुल वैसा पूरा शरीर और चेहरा एकदम सफेद पीला मिश्रित रंग का हो गया, इसे पांडु रंग कहा गया जी, यानी सफेद और पीला मिश्रित, पूरा खून जैसे सूख गया, ऐसा डर के मारे पूरा खून सूख गया और फिर भी एक दायित्व का निर्वहन कर रही है, बस उसने अपना जी एक कार्य कर दिया और वो जैसे डर के मारे सफेद हुई, पड़ा शरीर पड़ा है, मृत शरीर पड़ा है, उस तरह हो गए। महर्षि ने जो उन्हें कार्य करना था किया जी, और उसके बाद उन्होंने जी इस बार अंबालिका को ही कह दिया कि हे अंबालिके, तुम मुझे देखकर पांडु वर्ण की हो गई हो,
पांडु यानी सफेद पीला मिश्रित रंग की हो गई हो जी, इसलिए तुम्हारा ये पुत्र जो होगा जी, ये भी ऐसा ही होगा, ये भी पांडु रंग का होगा और इसका नाम भी इसीलिए पांडु ही कहा जाएगा। ये बात बाहर निकलकर जी महर्षि ने राजमाता सत्यवती को भी बता दी जी। सत्यवती फिर परेशान जी कि एक पीला सफेद बालक जिसके शरीर में जैसे खून नहीं है, कमजोर है जी, वो कैसे कुरु वंश का भार वहन करेगा। तो फिर से उन्होंने अपने पुत्र द्वैपायन कृष्ण महर्षि वेदव्यास के सम्मुख याचना की जी, कि एक और पुत्र चाहिए मुझे। महर्षि ने पुनः तथास्तु कहा, माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, तथास्तु कह के वो फिर अंतर्धान हो गए जी। क्या इस बार भी महर्षि की बात सत्य हुई और फिर उसके बाद राजमाता सत्यवती ने फिर क्या किया? फिर सारे पूरे राज परिवार ने प्रतीक्षा की जी, कि बालक देखें कैसा होता है जी। बालक देखा तो जैसे उसके शरीर में खून ही नहीं, बिना खून का बालक, ऐसा बालक है, सफेद पीला रंग, एक बालक में जैसे एक लालिमा होती है जी, थी नहीं, खून जैसे है ही नहीं बालक में, ऐसा बालक, उसका नाम पांडु रखा गया जी। अब फिर समस्या, एक अंधा पहला पुत्र जो था जिसका नाम धृतराष्ट्र रख दिया गया जी, धृतराष्ट्र तो अंधा है, नेत्रहीन है जी, दूसरा बहुत कमजोर है, उसका नाम पांडु रख दिया गया जैसे उसके शरीर में खून ही नहीं है, सफेद पीले से रंग का है, अजीब से रंग का है, अब क्या करें? तो एक बार पुनः जी राजमाता ने बड़ी बहू अंबिका को जी मना, देखो ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है जी, और फिर तुम्हें अपना दायित्व निर्वहन करना है जी। उसने ना नुकुर की, लेकिन अपनी सास को, और वो भी राजमाता सत्यवती जैसी जो कि बड़ी जोरावर है जी, तो अपनी बात मना ही लेती है जी, और ये बड़ी छुई मुई सी है, इसने कभी अपनी बात दमदारी से कभी रखी नहीं जी। बड़ी बहन अंबा की बात अलग थी जी, इसने अपनी बात रखी थी और चली गई थी जी, इसने तो कभी बात रखी नहीं थी, तो ये ना नुकुर करती रही और ठीक है, उसने अनमने भाव से सास को हाँ कह दिया, ठीक है करती जी। इस बार तो फिर अंबिका महर्षि से डरी नहीं होगी। अरे उसके मन में तो डर ऐसा बैठ गया था, पहले तो उसने देखा नहीं था महर्षि को, अब तो वो उसको याद आ रहा था और वो याद के मारे ही डरी जा रही थी कि वो कैसे कुत्सित काला कलूटा रूप, गंध, सब कुछ उसको याद आने लगा, उसको मन घबराने लगा। उसने कहा अब तो मैं, ये मेरी सास सत्यवती ने जो भी कह दिया हो जी, मैं इसकी बात तो नहीं मानू, अब मैं क्या करूं? सत्यवती चतुर है तो उसकी बहू भी तो चतुर होगी ना जी, उसने अब मैं चतुराई करती। वो आते हैं करके चले जाते हैं, उनको कुछ समझ में थोड़ी आता है कौन है जी। तो उन्होंने एक नौकरानी को बुलाया जी, नौकरानी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल अप्सरा के समान सुंदर जी, अत्यंत सुंदर। नौकरानी को कहा कि तू ये मेरे आभूषण वस्त्र पहन और अच्छे से श्रृंगार कर जी, और इसको वहां बिठा दिया। जब द्वैपायन कृष्ण आने वाले थे जी, कि अब मेरी जगह तू ये काम कर ले, मैं तो नहीं करूंगी जी, तू कर ले। इस तरह करके उन नौकरानी को तैयार करते, नौकरानी को वहां बैठा दिया जी। अनंत जी, इन द्वैपायन कृष्ण ने तो पकड़ लिया होगा कि ये कोई और व्यक्ति है करके,
और उन्होंने क्या फिर दासी से संबंध बनाए और उसका क्या परिणाम हुआ? जो त्रिकालदर्शी महर्षि हो जी, वो ऐसे धोखे से धोखे में आ जाए ये तो संभव नहीं है। जी जी, वो तो तुरंत समझ गया कि ये स्त्री दूसरी है। जी, लेकिन जब वो वहां पहुंचे जी, तो इस दासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया जी, उनको प्रणाम किया और बड़े सम्मान पूर्वक जी, पूरा भाव, पूरा सम्मान का भाव रखते हुए उनका आदर सत्कार किया जी। जैसे आप आए हैं बाहर से जी, तो आपके मैं पैर धो दूं, आपको कुछ वस्त्र दूं, कुछ दूं, बड़े एक जैसे एक आगंतुक का स्वागत करना चाहिए जी, वैसे स्वागत किया। अब आगंतुक आया है जी, तो पहले आप उसके सामने कुछ खाने पीने का रखोगे जी, कि आप खाइए पीजिए, कुछ ग्रहण करिए जी, अब बैठिए, आसन दिया, सब करा, मतलब जैसा एक आगंतुक को, अतिथि का सम्मान करना चाहिए जी। बड़े प्रेम भाव से दासी ने महर्षि का सम्मान किया और ऐसे प्रेम भाव से सम्मान करा जी। फिर महर्षि ने कहा कि बैठ जाओ। जब महर्षि ने आज्ञा दी जी, तो ही बैठी, नहीं तब तक खड़ी है, ऐसा सम्मान कर रही है। महर्षि ने उसकी आंखों में देखा तो लगा कि ये जो है जी, ये मेरे प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव से यहां बैठी है, ये कोई जी, आई किसी भी कारण से हो, पर एक क्षण जी, ये कोई मजबूरी के कारण नहीं है जी, ये मेरे प्रति श्रद्धा और सम्मान रखी जी। तो उसके साथ उन्होंने पूरी रात गुजारी जी, बहुत प्रसन्न हुए महर्षि, अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनको जो अभी भाव मिला जी, उन्हें पहले दोनों बार नहीं मिला था जी। पहले दोनों बार उनकी भूमिका एक मशीनी भूमिका थी जी, एक मशीन की तरह उनका उपयोग किया जा रहा था, यहां एक स्त्री थी जो उन्हें सम्मान दे रही थी, जो उनके प्रति प्रेम भाव रख रही थी, आदर था जी। उसकी आंखों में वो सब उन्हें दिखा, उन्हें उसके साथ रात गुजारी। जब प्रातः में जी ये उठे तो बोले कि हे शुभे, शुभे मतलब जो शुभ जी, हे शुभे, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ, अब तू नौकरानी या दासी नहीं रहेगी जी, तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आ गया है, वे धर्मात्मा होगा जी, और समस्त बुद्धिमानों में, पूरे विश्व के समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ माना जाएगा, और बाहर निकल के जी, आज माता सत्यवती प्रतीक्षा कर रही थी जी, तो उन्हें बताया कि तुम्हारी बहू ने मेरे साथ धोखा किया है, और ये बात का तथ्य है, ऐसा एक बालक आने वाला है, ये बता के वे अंतर्धान हो गए, वहां से चले जी। अनिल जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब दो रानियां महर्षि के पास गई तो वो डर गई उनको देख करके, किंतु जो दासी गई वो बिल्कुल भी डरी नहीं द्वैपायन कृष्ण से, क्या कारण है? देखो, जो महत्वपूर्ण कारण है उस पे आने के पहले एक दो बातें तो अपन स्वीकार करते हैं जी, कि ये पूरी प्रक्रिया थी उसमें रानियों की सहमति नहीं थी जी। दूसरी बात, जो महर्षि ने प्रक्रिया बताई थी, एक वर्ष तक प्रतीक्षा की, इनके शुद्धिकरण की, इनके मानसिक रूप से तैयार होने की, वो भी नहीं हुई थी जी। इन दोनों को एक तरफ अपन रखते, ये बातें सत्य है जी, जी। ये सब गलतियां हुई जी, लेकिन अपन आ जाए, जो मूल प्रश्न तुम्हारा है वो बहुत सही प्रश्न है और आज के लिए प्रासंगिक भी है जी। ये आज भी होता है कि जो आज
के समृद्ध लोग हैं, संपन्न लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो व्यक्ति का आकलन उसके शरीर से, उसके कपड़ों से, उसके आभूषणों से करते हैं जी। आज जो लोग ब्रांडेड पहनते हैं वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, लोग मेकअप करते हैं, जो तरह तरह की ब्यूटी सैलून क्यों खुली। आप किसी पार्टी में जाइए तो आपके ऊपर जजमेंट करते हैं लोग जी। अगर आपने हीरे की अंगूठी पहनी है, गले में 4 तोले का सोने का हार पहना है जी, तो आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। तो ये रानियां जो होती हैं, चाहे आज की हो चाहे उस काल की जी, रानियां मतलब राजकुमार, आज के राजकुमार भी गिन लीजिए जी, राजा रानी, ये एक इनकी मानसिकता होती है और ये गलत है जी। वो गलत मानसिकता क्या है कि वो व्यक्ति का आकलन उसके कपड़ों से, उसके आभूषण से जी, उसके शरीर से, इन सब से करते हैं और व्यक्ति के जो गुण है जी वो नहीं देखते। दोनों रानियों ने जी महर्षि को महर्षि के रूप में नहीं देखा जी, उन्होंने ये देखा कि एक वनमानुष आदमी चला रहा है जो कुरूप भी है, काला भी है, जो कि बदबू भी मार रहा है, उनको ये सब कुछ दिख रहा था, जिसके कपड़े भी खराब हैं, फटे हुए हैं, कुछ चर्म चमड़ा भी पहना है, मृग चर्म पहना है, क्या पहना है, बड़ा अजीब सा है, उनको ये सब कुछ दिखा। लेकिन दूसरी ओर वो जो नौकरानी थी, दासी थी जी, उसने अपने आप को बड़ा अहोभाग्य समझा, अपने आप को सौभाग्यवती समझा कि मुझे इतने विद्वान आदमी के साथ कुछ समय बिताने का समय मिल रहा है, ये अवसर मुझे मिला है, जीवन में फिर नहीं मिलेगा, मैं इनकी क्या सेवा कर दूं, क्या आदर सत्कार कर दूं, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। उसने महर्षि के ज्ञान को देखा जी, उसने महर्षि में उस पुरुष को देखा जो कि अपनी माता की आज्ञा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बस माता के स्मरण करने मात्र से प्रस्तुत हो जाता है। इस व्यक्ति का हृदय कितना अच्छा है। वो नौकरानी ये सब देख रही थी जी, उनकी विद्वता देख रही थी, उनके हृदय की ममता देख रही थी, उनका स्नेहपूर्ण हृदय जो था वो सब देख रही थी। जब आप गुण देखते हो तो ये बाहरी चीजें तो गौण हो जाती हैं जी। उसे ये सब दिखा ही नहीं, उसे तो दुर्गंध आई ही नहीं, उसको जटाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो एक विद्वान आदमी के पास आप जब बैठते हो तो आप विद्वता देखते हो जी। वो इस महानता से अभिभूत थी। रानियों ने ना महर्षि की विद्वता देखी, ना उनका स्नेह देखा, ना उनकी ममता देखी। जब कुछ नहीं देखा जी, तो केवल शरीर दिखा उन्हें, और शरीर तो बहुत खराब था, इसलिए वो डर गई। और जिसने शरीर की जगह गुण देखे जी, वो अभिभूत हुई, उसने बहुत कुछ पाया जी, सौभाग्य मिला उसे जी। तो ये जीवन में आज भी प्रासंगिक है। हम जब किसी व्यक्ति को मिलते हैं जी, कई बार ऐसा होता है जो विद्वान होते हैं, वो हो सकता बहुत अच्छे जूते ना पहना हो, बहुत अच्छे कपड़े कोई ब्रांडेड नहीं पहना हो, कोई फटा हुआ कपड़ा भी पहना हो जी, दाढ़ी बड़ी हो, कोई बाल भी ठीक ठाक ना हो जी, लेकिन उसके चेहरे पर विद्वता की एक चमक हो। उस विद्वता की चमक को जिस दिन आप समझ लो तो फिर उसके कपड़े गौण हो जाते। आज भी ये अत्यंत आवश्यक। इसी से जुड़ी एक बात और मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा जी, कि महर्षि ने
इस नौकरानी में जी में जो कि एक स्वाभाविक है शूद्र वर्ण की थी जी, उसमें उसके गुण देखे, उसका स्नेहपूर्ण व्यवहार देखा जी, और उससे प्रसन्न हुए, उससे संबंध बनाया। कुछ समय के लिए ही वह उनकी पत्नी बनी जी। यह विचित्र वीर की पत्नी नहीं थी जी, ये तो उनकी पत्नी थी जी। इसका विचित्र वीर से कोई संबंध नहीं था जी, जी। अपनी पत्नी बनाने को सहमत हुए, अर्थात आप समझिए कि उस काल में जाति व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये शूद्र है जी, मैं ऋषि हूं महर्षि हूं, नहीं। उन्होंने उसके उस गुण को देखा जो उसका प्रेम था, निश्चल प्रेम। उस निश्चल प्रेम के लिए उन्होंने उसे स्वीकार किया। तो हम जब भी किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करें जी, तो हम उसके गुण देखें, उसका प्रेम देखें, उसका हृदय देखें और आडंबर में ना जाएं। जी अनिल जी, आज के प्रकरण में हमने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कथा सुनी आपसे। तीनों लोग विशिष्ट गुणों से संपन्न थे और पर दो तीनों लोग भिन्न थे एक दूसरे से, और इनको महाभारत का आधार भी कहा जा सकता है। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।